केस को लेकर पूरे देश भर में डॉक्टरों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर केजीएमयू की रेजिडेंट डॉक्टरों का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें केजीएमयू से निकलकर सड़कों पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा की ओर भारी संख्या में जा रहे रेजिडेंट डॉक्टर विधानसभा घेरने की डॉक्टर कर रहे हैं तैयारी। सैकड़ों की संख्या में परिवर्तन चौक की तरफ केजीएमयू से डॉक्टर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ लखनऊ में ही नहीं पूरे देश भर में डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं। देखिए, जो हादसा हुआ था कोलकाता में, उसके लिए पहले तो न्याय चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो और भी हमारे साथ यहाँ पे हैं फीमेल डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी मांगे हैं, सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट पास करने की मांगे हैं। और जो भी मतलब हमारे डॉक्टरों के साथ मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाहर बॉन्डेड काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी मांग कर रहे हैं कि ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण एक महसूस तो हो कम से कम। अभी तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, मांगे हमारी पूरी नहीं होती। वापस कर दिया गया है जी, ये शाम को कैंडल मार्च के लिए अभी यहाँ पे कैंडल मार्च ये से आगे डिसाइड हुआ है। अभी ये सब जानकारी पास करी जाएगी एक घंटे में, तो फिर शाम को कैंडल मार्च होगा। ठीक, देखिए हम सबका एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हमारा प्रदर्शन है सिर्फ एक ही विषय में है, जो एक कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक घटना घटी थी एक महिला डॉक्टर के साथ, जिसकी निर्मम तरीके से बलात्कार करके हत्या कर दी गई। उसी विषय में हम लोग एक शांतिपूर्व प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। एक हम अपनी सरकार को जागरूक करना चाह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक हों, ठीक है, महिलाओं के राइट्स के बारे में कि भाई उनको जागरूक हो। महिलाओं की जैसे दिक्कतें हो रही हैं उनके साथ, जगह जगह पर रहने की व्यवस्था नहीं है मेडिकल कॉलेज में, उनको रहने के लिए एक रेजिडेंट रूम तक नहीं है, एक फैसिलिटी तक नहीं थी उस मेडिकल कॉलेज में कि रेजिडेंट एक रह सके वहाँ पे। तो इन तमाम समस्याओं के बारे में हम सरकार को जागरूक कराना चाह रहे हैं, प्रशासन को जागरूक कराना चाह रहे हैं।